नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nothing Phone 2A Plus 5G versus Infinix GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 2A Plus में 6.37 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 2A Plus में 3 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है जो कि 2A Plus से कम है। बात करें थिकनेस की तो 2A Plus में 0.33 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 2A Plus में 190 ग्राम जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 2A Plus में फ्लेक्सिबल AMOLED जबकि GT20 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 2A Plus में 6.7 इंचेस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 2A Plus में 1080x2412px FHD Plus और GT20 Pro 5G में 1080x2436px FHD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 2A Plus में 87.84% जबकि GT20 Pro 5G में 88.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 2A Plus में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 2A Plus में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 2A Plus में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 2A Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT20 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 2A Plus में माली G610MC4 जबकि GT20 Pro 5G में माली G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 2A Plus में MediaTek Dimensity 7350 Pro और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 2A Plus में 2 कलर्स जबकि GT20 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 2A Plus में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Nothing Phone 2A Plus 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Infinix GT20 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 5G है, दूसरा Vivo S19 Pro 5G है, तीसरा Poco F6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Honor 200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।